मच्छर भगाने का काम हो रहा है और ये पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। और अभी बज रहा है शाम का 6 और मेरा कपड़ा पसरा हुआ है, आज नहीं उठाएंगे कल उठाएंगे। फरवरी 7th और आज इवनिंग से व्लॉग कर रहे हैं। तो आज है मंडे और परव अभी जस्ट ऑफिस से आया है, तो अभी हमारा बन रहा है चाय। और आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे धूप था और अभी जस्ट बालकनी हम लोग निकले थे, तो उतना वो चिल्ड वाला ठंडा नहीं है, तो मे बी शायद ठंडा कम हो रहा होगा दिल्ली में। तो और पिछले जो व्लॉग मैंने डाला था उसका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच, आप लोग देख रहे हो और आप लोग पसंद कर रहे हो। और बहुत सारा कमेंट्स भी आया था कि ठीक है दीदी, आप इसी तरह का रेगुलर व्लॉग्स भी इस चैनल पे भी अपलोड किया करो, तो वही कोशिश कर रही हूँ, इस चैनल पे भी रेगुलर व्लॉग वगैरह अपलोड करती रहूँगी। तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं, इवनिंग से वैसे व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई नहीं चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इधर बन रहा है गर्मा गर्म चाय। तो अभी डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है, तो क्या बना रही हो आज? आज बन रहा है फूल गोभी आलू का भुजिया। अच्छा, और रोटी बस उतना ही? हाँ, पापड़ छान देना, पापड़ खाना है तो। हाँ तो मैं कुछ काम करता हूँ तब तक, तो बर्तन रैक लाना है इस तरफ तो। अच्छा, वही वो ले आना और बर्तन है थोड़ा वो साफ कर देना। बर्तन साफ कर दूँ मैं इतने ठंड में? अरे तो क्या बीवी लोगों को ठंडा नहीं लगता क्या? हाँ तो आधा आधा करेंगे तो फिर। आधा आधा से ही तो जिंदगी चल रहा है। अरे हाँ देखते हैं कितना काम कर पाएंगे। और बाय द वे आज रोज डे है, पूछो इसको रोज मिला है? अच्छा, पिछले 5 साल से मिल ही रहा है तुमको रोज रोज? कल क्या है, कल देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ देखते हैं कल, बदले में कुछ मिलता तो नहीं है, हमी को ही रोजाना लाना पड़ता है। पूरा का पूरा गमला खुद तुम्हारे पास आया है और रोज की चाहत रखते हो। हाँ ऐसा कुछ था, एक और डायलॉग है ना? हाँ पता नहीं, तुम ही बनाए हो अभी अभी शायद। डायलॉग बनाने में तेज है। चलो फिलहाल काम करते हैं, और कुछ DIY करना था लेकिन अभी टाइम तो पार हो गया, देखते हैं खा के अगर टाइम मिलता है तो। पेंटिंग का काम है तो अभी अगर बेस पेंट कर देंगे तो कल तक सूख जाएगा। चलो ठंड में काम तो करना ही है, चलो काम करते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल रहे हैं ये 5 फोड़न, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, मिर्ची और प्याज, और ये है ढेर सारा लहसुन, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अरे वो चलाने वाला दो। इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा, हल्का बस फ्राई कर लेना है। अरे घर काम चालू है। फिट होगा? हाँ हो तो जाना चाहिए, उल्टा हो गया इस तरह। ना ना सीधा ही है, ये हैंगिंग देखो ना। इसको निकाल के इस तरह रखना पड़ेगा।
प्लेट के साइड में। हाँ तो फिर निकाल ही दो, उससे उसी की वजह से नहीं जा रहा है। देख के तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे आलू। आलू थोड़ा पहले डालेंगे क्योंकि तब तक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और फूल गोभी तो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ज़्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट बस इसको हल्का फ्राई करेंगे, इसके बाद डालेंगे फूल गोभी। तो फूल गोभी इसमें डाल दिए हैं और मसाला में कुछ खास नहीं लगेगा, बस हल्दी, नमक, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, बस हो जाएगा आलू फूल गोभी का भुजिया रेडी। तो इधर भुजिया भी बन रहा है, हल्दी नमक वगैरह सब लगा दी हूँ मैं। मल्टीटास्किंग चल रहा है हमारा। तो ये बन गया मेरा फूल गोभी का भुजिया। रुको, धुआं हो गया, गर्म ही है। तो इस तरीके से सिंपल सा बन गया है। अभी फिलहाल बनाएंगे रोटी। और ये वाला काम यहाँ तक हुआ है, ये रैक फिलहाल लेके तो आए हैं, बट मेरा प्लान है इसको थोड़ा सा हैंग करके रखेंगे ताकि नीचे पानी वगैरह जमा हो तो उसको साफ़ कर पाएँ, क्योंकि इधर का सॉल्टी वाटर है ना, तो इस टाइप का ऐसे वाइट वाइट हो जाता है। तो इसको थोड़ा हाइट में रखेंगे तो नीचे क्लीन करने बनेगा। तो वही अभी देख रहे हैं इसको किस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो हैंग करने के लिए ये सब ट्राई किए थे हम लोग, या फिर इस टाइप का जो होता है ये नीचे ऐसे लगा सकते हैं। तो देखते हैं और क्या इसमें और कर सकते हैं। तो आज के लिए ये वाला काम यहीं तक था। अभी बनाएंगे रोटी क्योंकि टाइम हो गया है, 10 बज गया है। इसको कल देखते हैं। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी जस्ट नहा के शैम्पू वैम्पू किए हैं। तो अभी पर्व नहा रहा है और अभी हम लोग थोड़ा लंच वंच करके जाएंगे बाहर। हमें जाना है एक्चुअली पैसिफिक मॉल सुभाष नगर, तो वहाँ पे जो है सबसे बड़ा मार्केट 99 का स्टोर है, तो वहीं हम जाने वाले हैं। तो चलिए आज का ये नेक्स्ट डे वाला व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चल के देखते हैं मॉल में क्या कुछ खास है। वैसे वीकडेज है तो भीड़ काफ़ी कम रहना चाहिए। तो चलिए फिलहाल तो बाल सुखा लेते हैं। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing that. तो अभी हम पहुंच गए हैं पैसिफिक मॉल। बहुत दिन के बाद है ना? हाँ, बहुत दिन के बाद। तो फिलहाल हम लोग गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, देखते हैं। ये सुभाष नगर वाला पैसिफिक मॉल है। ऐसे हमारे तरफ का भी वो पैसिफिक मॉल ही है ना। ये है पैसिफिक मॉल। चलो कहाँ ले जा रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। चलो मॉल घुसते ही सबसे पहला काम थोड़ा सा पेट पूजा, फिर उसके बाद बाकी सब कुछ। तो मजा आ रहा है मॉल में।
बहुत भीड़ है हमेशा, मतलब वीक डेज होने के हिसाब से बहुत भीड़ है। ये है सुभाष नगर का मार्केट 99, बहुत बहुत बड़ा स्टोर है। तो हो गया हमारा शॉपिंग और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और पूरा जब हम आए थे तो ये पूरा भीड़ था, अभी पूरा खाली हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और यहाँ पे ये दुकान है शिकंजी, तो यहाँ हम चाय पी रहे हैं और पकोड़ा भी बहुत मिलता है यहाँ पे, तो इस तरफ हमें जाना है। और यहाँ काफ़ी भीड़ होता है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ का चाय, आप ज़रूर ट्राई करिएगा।